आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आने के साथ ही 24 मार्च को शुरू हुआ रमजान का महीना पूरा हो गया। रमजान का महीना खत्म होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है, इसे ईद उल फितर भी कहा जाता है। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी है। शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आने के साथ ही 24 मार्च को शुरू हुआ रमजान का महीना पूरा हो गया। रमजान का महीना खत्म होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है, इसे ईद उल फितर भी कहा जाता है। बता दें कि ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद के सन 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी, इसलिए की खुशी में उन्होंने ईद उल फितर मनाया और लोगों का मुंह मीठा किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ईद की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर कानपुर से है और दूसरी आगरा से है। बता दें कि आज पूरे देश में ईद का जश्न देखने को मिल रहा है। ये पहली तस्वीर आप कानपुर से देख सकते हैं, जहां नमाज पढ़ी जा रही है। वहीं दूसरी आगरा से है, जहां भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंचे हुए हैं। पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आज रमज़ान के पाक माह का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पे आपको जैसे पता है कि ईद की नमाज रहती है, आज ईद सभी लोग मनाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी जनपदवासी बड़े हर्षोल्लास से एक दूसरे से गले मिलके इस ईद को मनाएं और ये सौहार्द का त्यौहार है, सभी लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं। और हमारे जहाँ तक पुलिस फोर्स है, वो सबकी सुरक्षा के लिए सभी जगह मुस्तैद है और हम लोग भी अपनी तरफ से अपने सभी जनपदवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। किस तरीके के इंतजाम किए गए? जी हाँ, आज ईदगाह पर और जनपद भर में समस्त स्थानों पर ईद की नमाज बड़े ही खुशनुमा माहौल में, बड़ी ही शांति के माहौल में मनाई जा रही है। सभी मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा ईद की नमाज को सकुशल कराने में और अच्छे माहौल में, शांति प्रेम भाईचारे के माहौल में कराए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर आप सभी लोगों के माध्यम से समस्त जनपदवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहिए। देखिए, आज रमजान के पाक माह ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें देख सकते हैं आप। बता दें कि शुक्रवार को शाम को पूरे देश में चांद के दीदार के बाद ऐलान किया गया कि शनिवार को ईद का जश्न मनाया जाएगा। त्यौहार के ऐलान के बाद संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पूरे भारत में आज ईद का जश्न है, इस मौके पर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बता दें कि भारी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे हुए हैं मस्जिद में। बता दें, पूरे देश में कई जगहों पर एक साथ चांद के दीदार हुए हैं। ऐसे में पूरा देश आज ईद का त्यौहार मना रहा है। बता दें कि ईद उल फितर को भाईचारे और सद्भाव का त्यौहार माना जाता है। इस पूरे मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। वहीं आज पूरा देश ईद का पर्व मना रहा है, जिसको लेकर और इसी पर हमारे संवाददाता मेरठ से राजन सोनकर जुड़ चुके हैं और कानपुर से हमारे साथ उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरठ से राजन सोनकर का रुख करूंगी मैं। राजन, आज ईद का त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, मेरठ में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, मेरठ को पूरे तरीके से जोन और सेक्टरों में पुलिस और प्रशासन की तरफ से बांट दिया गया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से पुलिस निगरानी कर रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जहां अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पीएसी और आरएएफ की तैनाती कर दी गई है, भारी पुलिस बल तैनात है। और सुबह जब नमाज पढ़ी जा रही थी तो वहां पर ये देखा गया कि लोगों से अपील की जा रही थी कि नमाज किसी भी तरीके से सड़क पर ना पढ़ी जाए,
तो कई जगह पर ये सीसीटीवी कैमरे लगा के पुलिस और प्रशासन निगरानी कर रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग भी मेरठ पुलिस कर रही है और यहाँ तक की रूट भी कई तरीके से डाइवर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि भारी वाहन जो सुबह के समय आते थे उन्हें दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है और जो टू व्हीलर वाहन है उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरठ पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से बिल्कुल अलर्ट है और नमाज को लेकर और ईद को लेकर देश भर में पूरा उत्साह है। ये भाईचारे का त्योहार है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना का गाइडलाइन का पालन किया जाए और ईद जो है ईद पूरे तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, क्योंकि भाईचारे का त्योहार है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारे की और ईद की बधाई दे रहे हैं और भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं। जी हमारे साथ कानपुर से उपेंद्र हमसे जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आज ईद का जश्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है, कानपुर में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है इस मौके पर? दिवाली होती है उस तरीके से जैसे देखा जाए तो पूरी तरीके से ईद और बकरी जो इनका मेन महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस त्यौहार को देखकर के पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट भी है। और बात रही ईद की, और ईद में क्या होता है कि अगर देखा जाए तो प्रावधान ये है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग है वो अपने जो गरीब जो रिश्तेदार होते हैं उनको जो है ईदी के तौर पर जो है मीठे के तौर पर जो है प्रसाद के रूप में और जहाँ कहीं ना कहीं देखा है तो उनको हेल्प भी ये लोग आज के दिन करते हैं जो गरीब लोग रहते हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रशासन जो है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही कानपुर नजर आई सामने अभी तक तो। जी राजन, कितनी संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे और कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? देखिए, भारी संख्या में लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने पहुंचे हैं और ईद का जो त्योहार है पूरे देश में मनाया जा रहा है और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। छोटी छोटी स्टॉल लगी हैं, दुकानें लगी हैं, खरीदारी हो रही है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है ईद को त्योहार को लेकर। सब लोग परिवार के साथ ईद का त्योहार बहुत अच्छे से मना रहे हैं और यहाँ तक कि भाईचारे का ये त्योहार है बहुत अच्छे से इसे मनाया जाता है। भाईचारे का संदेश जो है देश भर में दिया जा रहा है, लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर उन्हें ईद की बधाई दे रहे हैं और इसको लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। वहीं अगर मैं मस्जिदों की बात करूं और ईदगाहों की बात करूं तो वहां पर पानी से लेकर बिजली तक की व्यवस्था पुलिस और प्रशासन की तरफ से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से पानी और बिजली की या अन्य सुविधाओं की किसी भी कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी उस अधिकारी के खिलाफ, उस विभाग के खिलाफ। तो बिल्कुल ये भाईचारे का त्यौहार है, प्रदेश भर में बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी खुद कहा है कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कोरोना का गाइडलाइन का पालन करें और ईद जो है भाईचारे का त्यौहार है, भाईचारे को बढ़ावा दें और सभी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है। जी उपेंद्र, जिस तरह से भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंचे हैं तो क्या लगता है जिस तरह से कोरोना भी एक तरफ बढ़ रहा है, क्या उसके लिए कोई प्रोटोकॉल जारी किया गया है? लोग कितना एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं? जी अगर देखा तो नमाजी पढ़ने आए यहाँ पे, आए थे नमाज में, अगर देखा तो कोरोना गाइडलाइन जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर यहाँ पे थी, उन्होंने साफ साफ जो है लोगों को जानकारी दी कि इस तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था बरते। और वही ना कहीं देखा है तो जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से कोविड गाइडलाइन का जो है पूरी ध्यान रखा है। और देखा है तो जो नमाजी नमाज पढ़ रहे तो उन्होंने जो है नमाजी को साफ कहना है कि जो है जो आज जो नमाज अल्लाह से दुआ करी गई है कि अमन और चैन जो है पूरी तरीके से जो है यूपी में जो है बना रहे और जो हाई अलर्ट है उसको लेकर के उन्होंने साफ कहना उनका है कि जल्द जो है अल्लाह ताला जो है उनकी दुआ कबूल करेंगे और अमन शांति चैन बना रहेगा। जी धन्यवाद उपेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए और राजन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आज पूरे देश में ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें कि ईद का त्योहार भाईचारे का पैगाम देता है, वहीं इस पूरे त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए आज रमजान के पाक माह का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पे आपको जैसे पता है कि ईद की नमाज रहती है, आज ईद सभी लोग मनाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी जनपदवासी बड़े हर्षोल्लास से एक दूसरे से गले मिलके इस ईद को मनाएं और ये सौहार्द का त्यौहार है, सभी लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं। और हमारे जहां तक पुलिस फोर्स है वो सबकी सुरक्षा के लिए सभी जगह मुस्तैद है और हम लोग भी अपनी तरफ से अपने सभी जनपदवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं।
किस तरीके के इंतजाम किए गए? जी हाँ, आज ईदगाह पर और जनपद भर में समस्त स्थानों पर ईद की नमाज बड़े ही खुशनुमा माहौल में, बड़ी ही शांति के माहौल में मनाई जा रही है। सभी मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा ईद की नमाज को सकुशल कराने में और अच्छे माहौल में, शांति प्रेम भाईचारे के माहौल में कराए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर आप सभी लोगों के माध्यम से समस्त जनपदवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। के पाक पवित्र महीने की समाप्त होने और शुक्रवार को ईद का चांद नजर आने के बाद आज देश भर में बड़े ही धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे आपस में खुशियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ईद के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। बता दें, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद की पूर्व संध्या ही देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में खास संदेश के साथ लोगों को ईद की बधाई दी गई। ईद प्यार और करुणा की भावना बांटने वाला है। ईद का त्यौहार हमें एकजुटता और आपसी सद्भाव का संदेश देती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के लिए शांति, स्वास्थ्य और खुशी की कामना करते हुए लोगों को ईद की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान के दौरान दुनिया भर के सभी मुसलमानों ने उपवास और प्रार्थना की है। ईद के अवसर पर सभी लोग एकता के मूल्यों को महसूस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं शुक्रवार को चांद के दीदार के बाद भारत में आज ईद का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं और आगरा से हमारे संवाददाता जिशान अहमद हमसे जुड़ चुके हैं। जिशान, देश भर में आज ईद का जश्न मनाया जा रहा है, आप आगरा में मौजूद हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखिए मयूरी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा की शाही जामा मस्जिद पर। आपको दिखा दें, ये आगरा की शाही जामा मस्जिद है और यहाँ पर ईद उल फितर की नमाज हो चुकी है। आगरा में सबसे पहले शाही ईदगाह मस्जिद में सुबह 7 बजे नमाज अदा की गई, फिर 7:30 बजे आगरा की शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। वहीं आपको अगर बताएं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन के खास सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम भी नजर आए। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है। हालांकि नमाज हो चुकी है लेकिन पुलिसकर्मी मौजूद थे। आगरा शाही ईदगाह मस्जिद की बात कर रहे हैं तो आगरा शाही ईदगाह मस्जिद पर भी आगरा पुलिस कमिश्नर और आगरा DM सभी अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। वहीं लोगों से अपील की कि शांतिपूर्वक तरीके से ईद उल फितर का त्योहार मनाए। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं किस तरीके से ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है ताज नगरी आगरा में। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। सबसे पहले देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये सिलूकूल की नगरी है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और आपसी भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। देखा आपने, सभी मुस्लिम समाज के लोग ईद की बधाई दे रहे हैं और कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और सभी देश और प्रदेश वासियों को और आगरा शहर वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ताज नगरी आगरा में सभी जगह ईद की नमाज हो गई है शांतिपूर्वक, किस तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है? देखिए जो आगरा शहर ये मोहब्बत की नगरी है और बहुत सुकून शांति के साथ आगरा शहर के अंदर ईद का त्योहार बनाया गया है और हमारा आगरा का जो प्रशासन है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आगरा की जो व्यवस्था में बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया। देखिए आमतौर पे सब ताज नगरी आगरा के लोगों का भी कहना है कि ताज नगरी आगरा में पुलिस प्रशासन की खास व्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं और जो ईद से 2 दिन पहले भी पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और सभी लोगों से पीस मीटिंग के जरिए अपील भी की कि ईद उल फितर का त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। एक हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद जीशान है, मैं सभी शहरवासियों को और देशवासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ताज नगरी आगरा में किस तरीके? नहीं, ताज नगरी आगरा हमारा मोहब्बत का शहर है, यहाँ सभी धर्म के लोगों ने बड़ी प्रेम मोहब्बत के साथ आज ईद का त्यौहार मनाया और सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी है।
हालांकि ताजनगरी आगरा में और पूरे यूपी में लगातार अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद देखा जा रहा था कि हाई अलर्ट है, 144 भी प्रदेश में लागू है, तो किस तरीके से मुस्लिम समाज का माहौल था, ईद पर क्या असर इसका देखा? नहीं, ईद पर मुस्लिम समाज ने सब चीज को भूलकर ईद का त्यौहार बड़ी मोहब्बत और भाईचारे के साथ मनाया और देश में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है। देखा आपने, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि ईद उल फितर का जो त्योहार है जो शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा है, सभी लोग ने 7:30 बजे यहाँ पर नमाज अदा की है और उसके बाद आगरा की अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। जी जुसान, अगर देखें तो एक तरफ अभी कोरोना का कहर भी देखने को मिल रहा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, वहीं मस्जिद में भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे हुए हैं, तो क्या लोग कितना एहतियात बरतते हुए नजर आए? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देश के अंदर फिर दोबारा से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ईद उल फितर की हम बात करें तो ईद उल फितर पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद उल फितर की नमाज पढ़ने मस्जिदों में जाते हैं। हालांकि कोरोना की बात करें तो कोरोना के केसों में इजाफा तो है, लेकिन जो आगरा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी कर दिया गया है, हालांकि जो नमाजी थे उनमें अलर्ट देखा गया, मास्क वगैरह भी यहाँ पर नमाजियों को देखे गए थे। जी जी धन्यवाद जिसान हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। जैसा कि आपने देखा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सुबह ही लोग मस्जिद में भारी संख्या में नमाज पढ़ने पहुंचे हुए हैं, वहीं प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बता दें ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। रमजान के पाक पवित्र महीने के समाप्त होने और शुक्रवार को ईद का चांद नजर आने के बाद आज पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ ईद का जश्न मनाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली कानपुर से है और दूसरी आगरा से है, जहां भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे हुए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। वहीं अखिलेश यादव ने भी ईद के मौके पर मुबारकबाद दिया है। शुक्रवार को चांद के दीदार के बाद भारत में आज ईद का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद पर सुबह की नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सुबह की नमाज अदा की, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। बता दें कि नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई देते हुए नजर आए हैं। बता दें कि रमजान के महीने के समाप्त होने के बाद इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने में शवाल के पहले दिन ईद का पर्व मनाया जाता है। ईद का चांद नजर आने के बाद आज देश भर में बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है। बता दें कि इस पूरे मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। बता दें कि सुबह से ही लोग भारी संख्या में नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंच गए, भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। वहीं इस पूरे मौके पर अखिलेश यादव ने पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भी मुबारकबाद दी है। देश प्रदेशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद शिवपाल यादव ने कहा है। बता दें कि भारी संख्या में लोग सुबह से ही नमाज पढ़ने पहुंचे हुए हैं, मस्जिदों में नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ी है और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी है। रमजान के पाक पवित्र महीने के समाप्त होने और शुक्रवार को ईद का चांद नजर आने के बाद आज देश भर में बड़े धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, ईद का चांद नजर आने के बाद आज पूरे देश में ईद का पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल मयूरी, बीते कल देर शाम को जब ईद का चांद नजर आया तो ऐसे में आज शनिवार को ईद के त्योहार का ऐलान किया गया।
और अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज पूरे विश्व भर में गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, क्योंकि प्रयागराज में जब भी इस तरह के बड़े त्योहार होते हैं तो जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो भी इन त्योहारों में शामिल होते हैं, और इसीलिए पूरे विश्व भर में प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। और आज जब पूरे देश में ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरी खुशियों के साथ मनाया जा रहा है, तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर प्रयागराज के मस्जिदों की बात की जाए तो 9 बजे से ही जो नमाजी हैं वो मस्जिदों में पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने देश में अमन चैन भाईचारा बनाए रखने की दुआएं की है, उन्होंने ईद की नमाज अदा की है। ऐसे में जब प्रदेश सरकार द्वारा सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है, तो आज जो है प्रयागराज में दो पालियों में मतलब दो समय में जो नमाजियां वो ईद पढ़ेंगे, तो ऐसे में जो दूसरा समय है वो करीब 9:30 बजे के बाद से शुरू होगा। लेकिन जब लोगों की बात की जाए तो लोग जब नमाज से मस्जिदों से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बोल लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अमन शांति भाईचारा बना रहे, इसी को लेकर जो नमाजी हैं उन्होंने मस्जिदों में नमाज अदा की है। पवन, भारी संख्या में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, पूरे प्रयागराज में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मस्जिदों के बाहर पुलिस पीएसी तथा आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि प्रयागराज में अभी बीते दिनों पहले माफिया अतीक अहमद तथा उसके भाई की गोली मारकर हत्या की गई थी, तब से इस तरीके के जो माहौल बने थे एहतियातन पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अगर पूरे प्रयागराज की बात की जाए तो जैसा मैंने पहले बताया कि पूरे विश्व भर में प्रयागराज गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, तो आज ईद के इस त्योहार पर किसी भी तरह की कोई ऐसी घटनाएं की खबरें सामने नहीं आई जो किसी भी तरह के सौहार्द को बिगाड़ने वाली बातें हो। तो ऐसे में साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि संगम नगरी प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देने वाला शहर क्यों कहा जाता है। ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि लोगों के दिलों में आपसी भाईचारा बनाए रखने, देश में अमन चैन बनाए रखने की जो दुआएं हैं वो की गई हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी मयूरी। पवन, देखिए एक तरफ कोरोना का कहर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ लोग भारी संख्या में मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, क्या कोई प्रोटोकॉल जारी किया गया है, कितना एहतियात बरतते नजर आ रहे हैं लोग? जी बिल्कुल मयूरी, ये जो चिंताजनक विषय है कि जिस तरीके से कोविड के जो केस है वो लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि प्रयागराज भी उससे अछूता नहीं है, प्रयागराज में भी जो कोरोना के मरीज है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन की माने तो चिकित्सा विभाग द्वारा इसके कड़े इंतजाम, इसके व्यापक सुरक्षा और व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी नजरें बनाए हुए। हालांकि यहाँ पर तमाम ऐसे जो संगठन है जो लोगों को जागरूक करते हुए देखे गए, अगर हम मस्जिदों के बाहर की बात करें तो जो सामाजिक संगठन है वो लोगों से इस तरह की बातों के लिए जागरूक करते रहे कि लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केस है वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो सामाजिक संगठन है वो नमाज पढ़ने वाले नमाजियों से उन्होंने जो है अपील की है कि लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन अगर जो तस्वीरों की बात करें तो जिस तरीके से जो भीड़ है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोविड के केस में बढ़ने का एक चिंताजनक विषय बन सकता है, लेकिन जो लोगों की जागरूकता है उससे भी नकारा नहीं कहा जा सकता, और लोग जो है वो जागरूक है, क्योंकि प्रयागराज की बात इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसे अभी बीते दिनों पहले जब अतीक और अशरफ की हत्या होती है तो तमाम तरह की अफवाहें बाजारों में चौराहों पर की जा रही थी, तमाम ऐसी बातें की जा रही थी। लेकिन अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जिस तरीके से आज पूरे शहर में पूरे प्रयागराज में शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, तो ऐसे में ये सारी बातों का यहीं पर खंडन हो जाता है कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है और लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हुए देखे जा रहे हैं, और लोग जो है वो जब मस्जिद में जा रहे हैं तो उनके उनके दिल में और उनके इन दुआओं में ये बातें जरूर शामिल है कि पूरे देश में अमन शांति बनी रहे, लोग भाईचारा आपस में बनाए रखें। तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं वो प्रयागराज की खासियत को बयां करती हैं, और जिस तरीके से ये कोविड के जो केस बढ़ रहे हैं ऐसे में चिकित्सा विभाग जो है वो लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं। जी मयूरी।
पवन, जैसा अभी आपने बताया कि प्रयागराज में भारी संख्या में नमाज पढ़ने लोग पहुंच रहे हैं, तो कितनी संख्या में वो पहुंच रहे हैं और कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है उनमें? जी बिल्कुल मयूरी, देखिए इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें प्रदेश सरकार द्वारा नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया है, क्योंकि बीते कई वर्षों की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में ईद के मौके पर या प्रयागराज का वो तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है, तमाम जो वो शहरी इलाका है, वहां पर इतने लोगों की भीड़ हुआ करती थी कि वहां पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जगह नहीं होती थी और लोग सड़कों पर भी नमाज पढ़ते थे। ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए तथा सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए इसके लिए लोगों को दो पालियों में बांटा गया है। आज 9 बजे से जब पहली ईद उल फितर की नमाज अदा की गई तो उस दौरान जो लोगों की भीड़ थी वो हजारों के आसपास की थी, क्योंकि जो मस्जिद के अंदर की जो जगह है उसमें हजारों लोगों के आसपास के बैठने की व्यवस्था है, नमाज पढ़ने की व्यवस्था है। तो ऐसे में नमाज जो नमाजी है उनको दो पालियों में वहां पर बांटा गया है ताकि जब 9:30 बजे के बाद से जो नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए तो जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित हो और इस तरह की किस तरह की जो बातें हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए और किसी तरह की कोई अफवाहों की बातें ना हो, इसके मद्देनजर जो है यहाँ पर सुरक्षा के और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी मयूरी जी, धन्यवाद पवन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। रमजान का महीना पूरा हो गया। रमजान का महीना खत्म होने के बाद आज पूरे धूमधाम के साथ देश में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। बता दें रमजान के पाक पवित्र महीने के समाप्त होने और शुक्रवार को ईद का चांद नजर आने के बाद आज देश भर में बड़े ही धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर सभी लोग एक दूसरे को बधाई देकर आपस में खुशियां बांटते हैं। बता दें ईद के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को बधाई दी है। वहीं अखिलेश यादव ने और शिवपाल यादव ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। बता दें कि आज पूरे देश में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। लोग नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दे रहे हैं। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, रमजान का महीना खत्म होने के बाद आज ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप लखनऊ में मौजूद हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि आज ईद का त्यौहार देश भर के साथ साथ विश्व भर में मनाया जा रहा है। साथ ही आपको बताया कि आज सुबह मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचकर और फर्ज का नवाज किए हैं, जिसमें देश के अंदर में एकता, अखंडता, भाईचारा और साथ ही साथ देश की तरक्की की दुआ किए हैं। अगर बात की जाए तो फर्ज के नवाज को लेकर आज राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सड़कों पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से निर्देश जो था कि सड़कों पर नवाज नहीं अदा की जाएगी, इसको पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के तमाम जो जिम्मेदार हैं इसको पालन करते हुए नवाज अदा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर और साथ ही साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया पर हर एक जगहों पर पुलिस के दस्ता तैनात किए गए हैं, जिससे कोई भी शरारती तत्व अपने शरारत को अंजाम न दे सके। साथ ही आपको बताएं कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में कुछ ऐसी अनैतिक घटना न हो, जिसको लेकर देर रात फ्लैग मार्च भी किया गया था। वहीं अगर बात की जाए मयूरी, तो अभी अगर देखें तो देश के अंदर में कहीं ना कहीं इस ईद के त्यौहार पर देश के प्रधानमंत्री समेत राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समेत तमाम नेताओं के द्वारा ईद उल फितर की आज मुबारकबाद दी जा रही है। साथ ही आपको बताया कि इस त्यौहार को अगर देखें तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार आज पहला दिन होता है और आज अगर देखें तो देश भर के मुसलमान आज फर्ज के नवाज में देश की तरक्की और अमन चैन की दुआ किए हैं। जी विवांशु, देखा जाए एक तरफ कोरोना का कहर भी देखने को मिल रहा है, वहीं जैसा कि आपने बताया भारी संख्या में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे हुए हैं, तो क्या इसके लिए कोई प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है? लोग कितना जागरूक नजर आए हैं, क्या कुछ एहतियात बरतते हुए नजर आए? जी अगर बात की जाए तो कोरोना के प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए और इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पूरी तरह से लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
साफ तौर से अगर देखा जाए तो लोग अब पहले के मुताबिक कोरोना को लेकर जागरूक नहीं हैं, और अगर देखें तो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना के जो तमाम नियम हैं उसको पालन करने के आदेश दिए गए थे। अगर बात की जाए तो कहीं भी मस्जिदों के बाहर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं देखने को मिली है, साथ ही नमाजी कहीं ना कहीं कोविड को से बचाव को लेकर मास्क लगाते हुए नजर नहीं आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज देश भर में जहां ईद उल फितर को लेकर एक जश्न का माहौल है, साथ ही इस त्यौहार से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपसी भाईचारा का एक संदेश देने का काम किया जा रहा है। जी विवांशु, कहा गया था कि ईद के मौके पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, उसकी व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? जी ईद पर अगर देखा जाए तो तमाम जो ईदी नमाजी होते हैं जो तमाम लोग रोजे रखते हैं उसके ठीक बाद आज कहीं ना कहीं उनका रोजा खत्म होता है 30 दिनों के बाद, तो ईद के त्योहार पर खजूर खाकर और वो अपने रोजा को खत्म करते हैं और लोगों से गले मिलकर और आज के दिन को बधाई देते हैं और आपसी प्यार और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकता का ये त्योहार है। मगर बात करें तो साफ तौर से कहीं ना कहीं मुस्कान इस त्यौहार को लेकर जहां सभी की बधाइयां आ रही हैं तो वहीं कुछ कोई अनैतिक कृत्य ना हो जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। साथ ही आपको बताएं कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही थी कि कुछ ऐसे अनैतिक कृत्य ना हो सके। साथ ही आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो देश के साथ साथ अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने आज देश भर के तमाम देशवासियों को ईद उल फितर की बधाई दी है, और वहीं अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, जिसको पूरी तरह से नमाजी पालन करते हुए नजर आए हैं। जी जी धन्यवाद विवांशु हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं पर्व को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।